गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ज्योति विजय, क्लास फोर्थ, इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर फोर्थ, द वर्ब। क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर फोर, द वर्ब। दिस इज ज्योति विजय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ज्योति विजय, क्लास फोर्थ, इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर फोर, द वर्ब। We read this chapter. In this chapter, we read about the verbs. In our previous video, we read about the definition of verbs and types of verb, action verb, being verbs, like that. आज हम इनके बारे में वन वन verbs के बारे में separately पढ़ेंगे. First डालेंगे आज हम action verb. First डालेंगे आज हम action verb. ठीक है? Look. लेट स्टार्ट। फर्स्ट डालिए एक्शन वर्ब। फर्स्ट डालेंगे आज हम एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होती है इसके बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये एक्शन वर्ब्स वो क्या होती है इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। देखिए एक्शन वर्ब्स क्या होती है। दी वर्ब्स एक्सप्रेस द हैपनिंग ऑफ सेम सम एक्टिविटीज और एक्शंस। ठीक है, एक्शन वर्ब्स जो होती है वो जो भी काम हम करते हैं वो हमारे एक्शन वर्ब्स बताते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा राइट करेंगे। दीज वर्ब्स एक्सप्रेस द हैपनिंग हैपनिंग ऑफ सम एक्टिविटीज ऑफ सम एक्टिविटीज। ठीक है, लुक और एक्शंस एक्टिविटीज और एक्शन एग्जांपल देखिए। ए बॉय इज रनिंग। ए बॉय इज रनिंग। हियर देखिए ये क्या कर रहा है। दीज वर्ब्स एक्सप्रेस, ये जो वर्ब होते हैं एक्शन वर्ब वो क्या होते हैं, वो हमें एक्सप्रेस करते हैं द हैपनिंग ऑफ सम एक्टिविटीज की क्या घटित हो रहा है, कुछ जो हमारा क्रियाकलाप है वो किस तरीके से घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, हम क्या क्या वर्क हम कर रहे हैं वो किस में आएगा, इस एक्शन वर्ब के थ्रू हम समझते हैं। ओके ठीक है, अब देखिए ए बॉय एक लड़का इज रनिंग दौड़ रहा है, तो ये जो इज रनिंग है यही क्या है एक्शन वर्ड है, यही क्या है एक्शन वर्ड, क्या है एक्शन वर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इसमें जैसे इन फ्लाइंग और रनिंग जो है वो ये क्या है यहाँ पर एक्टिविटी है बॉय की, कि बॉय क्या एक्टिविटी कर रहा है, बॉय की एक्टिविटी है रनिंग जो है ये हमें एक्शन को बता रहा है। नेक्स्ट हम देखो नेक्स्ट वर्ब हमारी है बीइंग वर्ब, इसके बारे में हम रीड करेंगे। बीइंग वर्ब्स देखो बीइंग वर्ब्स क्या होती है, लुक बीइंग वर्ब देखिए एक बार। देखो बीइंग वर्ब्स मैं आपको बता देती हूँ, जनरली बी की फॉर्म होती है, बीइंग वर्ब जो होती है बी की फॉर्म होती है, फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ बी। ठीक है, ये आपको मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। देखो बी की फॉर्म में आता है इज एम और आर, ये बी की फॉर्म प्रेजेंट टेंस की होती है,
ठीक है। और होती है बी की फॉर्म वाज, वर, ये भी बी की फॉर्म होती है। इज एम आर वाज वर्ब, ये सब बी की फॉर्म होती है। बी और बीन, एक होती है बी और बीन, ये हमारी किसकी फॉर्म है, ये हमारी बी की फॉर्म है। लुक, इसमें क्या होता है, बीइंग वर्ब्स में क्या होता है, ये जो वर्ब्स होती हैं ये हमें बताती हैं कि वस्तु क्या है या क्या थी, ठीक है ना, इसलिए ये बताती है। देखिए इसको, हम इसको हल्का सा देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बी फॉर्म की। दीज वर्ब्स These verbs express what something or someone is or was. Something और संबंध इट्स वॉच हिज और वाच, ये बताती कि वस्तु क्या है या क्या थी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ जाओगे इसमें आप। मैंने बोला वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, तो देखिए हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम स्टूडेंट हैं, क्या हैं हम स्टूडेंट, तो ये क्या हो गई बी की फॉर्म, ये क्या हो गई बी की फॉर्म, क्या हो गई ये बी की फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे मैंने बोला राहुल इज ए डॉक्टर, सेकंड बोला मैंने आपको राहुल इज ए डॉक्टर, तो राहुल क्या है, मैंने बोला समथिंग और समवन इज और वाज, किस क्या है या क्या थे, तो राहुल इज ए डॉक्टर, तो राहुल क्या है डॉक्टर है, तो इसको कौन बता रहा है, ये इज की फॉर्म बता रही है कि राहुल क्या है डॉक्टर है, तो ये दोनों को लिंक कर दिए है, इसलिए ये बी की फॉर्म है। ओके, ये किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, ठीक है। ये किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, ठीक है। लाइक देखिए जो वर्ब है इज आर एम वाज वर बी बीन, ये सब क्या होती है मेन बीइंग वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं ये मेन बीइंग वर्ब्स, क्या है ये सब मेन बीइंग वर्ब्स, क्या है मेन बीइंग वर्ब्स, ठीक है, ये मेन बीइंग वर्ब्स है, ये इज एम आर वाज वर बी और बीन, ठीक है। लुक देखिए अगेन, आपको इस वर्ब को अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है, जब हम इसे एक्सरसाइज करेंगे तो और हम इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आज देखिए एक्शन वर्ब पढ़ा हमने, अगेन रिपीट कर लो, एक्शन वर्ब्स, दीज वर्ब्स एक्सप्रेस द हैपनिंग और ऑफ सम एक्टिविटीज और एक्शन, ये जो वर्ब्स होते हैं ये हमें क्या घटित हो रही है, क्या कार्य हो रहा है इसके बारे में बताते हैं। तो ए बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है, तो ये वर्क हो रहा है लड़के के दौड़ने का, ठीक है। तो इसमें एक्शन हमारे कार्य के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट देखिए बीइंग वर्ब्स, बीइंग वर्ब्स में क्या है, देखो फॉर्म ऑफ बीज, ठीक है, बी की फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ बी, देखिए इज एम आर वाज वर बी और बीन, ये सब मेन बीइंग वर्ब्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती है इज एम आर, पास्ट टेंस की वाज वर और बी और बीन, ये पैसिव वॉइस में भी यूज होती है, और जनरली हम पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में भी, कंटिन्यूअस में भी बीन का यूज़ करते हैं, वो आपके लेवल का नहीं है इसलिए इतना डीपली नहीं जाना है, केवल हमें देखना है कि इज एम आर प्रेजेंट टेंस की वर्ब है और वाज वर्ब पास्ट टेंस की वर्ब है, ठीक है। दीज वर्ब्स एक्सप्रेस, इज एम आर का मतलब कार्य वर्तमान में हो रहा है और वाज वर्ब का मतलब जो हमारा कार्य भूत में हो चुका है, मतलब पास्ट फॉर्म में हो चुका है, ठीक है। दोज वर्ब्स एक्सप्रेस वार समथिंग और समवन इज और वाज,
ये जो वर्ब है ये हमें बताती है कि वस्तु क्या है या क्या थी। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, वी आर स्टूडेंट, हम क्या हैं, वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स हैं, तो ये शो कर रही है। नेक्स्ट देखिए, राहुल इज ए डॉक्टर, तो राहुल इज ए डॉक्टर, राहुल क्या है, डॉक्टर है, तो ये जो बी की फॉर्म है इज, ये शो कर रही है कि राहुल क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, अब आपको इसको अपनी नोटबुक में करना है इसको, और जब हम इसकी एक्सरसाइज, जब इसकी एक्सरसाइज होगी तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आज आपको इसको अपनी नोटबुक में राइट करना है और बार बार इसे रीड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो यू कंसल्ट विद मी। ठीक है, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इसमें कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमारे लास्ट चैप्टर जो हमने रीड करे थे उसमें भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो उनको। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू दिस वर्क इन नोटबुक इन प्रॉपर हैंड राइटिंग। ओके।